हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम क्लास टेंथ के मैथ का चैप्टर नंबर 12 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 12.1 के खंड वाह वर्णात्मक प्रश्नों के रिमेनिंग पोर्शन को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा है? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। तो क्या किया गया है? एक बेलन है लकड़ी का, इस तरह का ये बेलन है, बेलनाकार भाग है। अब इसमें क्या किया गया है? इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला खोदकर निकाला गया है। तो इधर से ये इतना हिस्सा, ये सारा का सारा खोद दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। इसी तरह से इधर से भी ये पूरा हिस्सा खोद करके बाहर निकाल दिया है। अब कह रहे हैं यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर मींस यहां से यहां तक, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है? बेलन की ऊंचाई, इसे स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या जिसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या निकालने को कहा गया है? इस तरह से जो पूरा ठोस हमें प्राप्त हुआ उसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है। तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे? इस बेलन में क्या रहा होगा? ये राउंडेड वाला पोर्शन बचा हुआ है, मींस ये क्या है? इसका वक्र पृष्ठीय प्रश्न। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या चीज है? जो हमने ये खोदा है, दोनों आधार पर ये गड्ढे खोदे थे अर्धगोलाकार, इनका क्षेत्रफल मींस दोनों अर्ध गोलों का, दोनों अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इनका आधार है नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या मिलेगा यहां से? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πRh प्लस अर्धगोलों का, एक अर्धगोले का कितना होता है? 2πR2। क्योंकि यहां पर दो गोले हैं तो दोनों समान आकार के हैं तो दो से गुणा कर देगी। अब 2πR दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, यहां से बचेगा h, यहां से एक दो बचा है और एक r बचेगा। वैल्यू रखेंगे 2π की वैल्यू 22/7, r का मान 3.5, h वैल्यू दे रखी है 10 प्लस 2, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3.5, तो ये कट जाएगा 7 5 35 होते हैं, पॉइंट है तो पॉइंट एक नंबर पहले, तो ये आ गया 0.5। तो 2 5 10
तो 10 ये 1 हो जाएगा, 1 की 22 से मल्टीप्लाई 2, 22, और इधर 10 ये ऐसा का ऐसा ही प्लस ये 3.5 दूनी कितने होते हैं 7, 35 दूनी 70 होते हैं, पॉइंट एक नंबर के बाद लगाएंगे 7 बजेगा, तो ये हो गया 10 प्लस 7 17 है, तो 22 गुणे 17 मल्टीप्लाई कराएंगे, 17 दूनी 34 के 4 हाँ से लगे 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, तो ये मिल गया 374, और ये हमें दे रखा था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होता है, वर्ग मात्रक होता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया है, एक गोल्फ गेंद का व्यास 4.1 सेंटीमीटर है, कोई गोल्फ की गेंद है जिसका व्यास दे रखा है, व्यास को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यह दे रखा है 4.1 सेंटीमीटर, और कहा है इसके पृष्ठ पर 2 मिलीमीटर त्रिज्या के 150 गड्ढे किए गए हैं, तो ये अर्धगोलाकार गड्ढे होंगे, इनको अर्धगोलाकार माना गया है, तो इसकी त्रिज्या सबसे पहले निकाल लेते हैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी R, ये होता है D अपॉन 2, तो ये 4.1 दिया था अपॉन 2, इतना सेंटीमीटर, और कहा है 2 मिलीमीटर के त्रिज्या, 2 मिलीमीटर त्रिज्या के गड्ढे किए गए हैं, तब अर्धगोलाकार हैं, तो अर्धगोलाकार गड्ढों की त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, अब ये दे रखा है सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, तो इनको एक समान रूप में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, हमें क्या करना है मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इसे गुणा कर सकते हैं 1 से, तो 1 रह गया और इधर मिलीमीटर, ये 10 मल्टीप्लाई में है, कहां जाएंगे अपॉन में, तो 1/10 और ये सेंटीमीटर, तो यहां से क्या मिल गया हमें 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, तो इसके स्थान पर मिलीमीटर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/10, तो 1/10 ये चेंज हो गया अब किसमें सेंटीमीटर में, और इनकी संख्या दे रखी है कितनी 150 गड्ढों की संख्या, गड्ढों की संख्या n कितनी दे रखी है 150, अब कहा गया है गड्ढों को अर्धगोलाकार मानते हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें हमने क्या किए हैं गड्ढे किए हैं, तो सभी 150 गड्ढों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उन गड्ढों पर जिस तरह से इस वाले क्वेश्चन में इस गड्ढा खोदा गया तो इसका आधार तो रहा नहीं, तो इन गड्ढों का भी आधार नहीं होगा, तो वो आधार क्या कर दें माइनस कर दें, माइनस करना है माइनस गड्ढों का उन्हीं 150 सभी का,
गड्ढों, यहां पर लिख देते हैं सभी गड्ढों, माइनस सभी गड्ढों का या के आधारों का क्षेत्रफल, ये इतना माइनस किया। वैल्यू पुट करते हैं, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गेंद क्या होती है, गोलाकार होती है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह है पाफोर पाई आर स्क्वायर, चार पाई आर स्क्वायर, प्लस एक गड्ढे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर इसे मान लेते हैं ये कैपिटल आर है, इसे कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं गेंद की त्रिज्या, और जो गड्ढे हैं इसे हम मान लेते हैं ये स्मॉल आर है, ये गड्ढे की त्रिज्या होगी। तो गड्ढों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक का कितना होता है, टू पाई आर स्क्वायर, तो सभी 150 का कितना होगा, 150 से गुणा करा दी, माइनस आधारों का क्षेत्रफल, तो आधार कैसे होते हैं, आधार होते हैं वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कितने हैं 150 हैं, तो सभी का हमें माइनस करना है, तो 150 से मल्टीप्लाई करा दी, तो क्या मिल जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये 150 दूनी हो गए 300, 300 और इधर कितने हैं 150, तो ऐसा करते हैं प्लस का 150 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से बचा 2, यहां से बचा 1, तो ये 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 ही बचेगा, इनमें से 2 पाई कॉमन, यहां से क्या बचेगा, 2 आर कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस यहां से 2 कॉमन आ गए हैं, तो 75 पाई बाहर आ चुकी है और स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 2 पाई का मान 22/7 और 2 ऐसा कैसा ही कैपिटल आर, ये कितना है 4.1/2, 4.1/2 स्क्वायर है, तो 4.1/2 कर लिया, प्लस का 75 स्मॉल आर, ये कितना है 2 × 1/10, 2 × 1/10, तो 2 बार है, 2 बार लिख लेते हैं, 2 × 1/10, सॉल्व करेंगे यहां से 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, तो ये कितना हो गया 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 25, 75 हो गया, इधर 1 2 से 1 2 ये कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा, ये 22 × 44/7, इधर 4.1 और 4.1 और बटे में है 2, इनकी गुणा करा लेते हैं, यहां पे 4.1 और 4.1, तो 1 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 है, कितना हो गया 1 × 4 = 8, ये आ गया 1681, 1681 में 2 से भाग देना है, 2 के बाद पॉइंट था, इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और ये आ जाएगा 8.425, 8.425 प्लस ये कितना है 3, तो ये मिल गया 44 × 8 और 3 कितना हो गया 11 है, 11.425/7, 44 और इनकी करा लेते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, इधर 44 11 और 425 गुणा करानी है किससे 44 से, पॉइंट लगा हुआ है 3 नंबर के बाद, तो 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8 और 2 = 10 हासिल 1,
चार चौके 16 और एक 17 हासिल, एक चार एकम चार और एक हासिल का 5, चार एकम चार, तो ये भी इतना ही आएगा, 7 5 4 कितना, 0 0 7 7 5 12 है, 4 और 5 9 और 1 10 और ये कितना हो गया, 4 5 9 और 1 10 और ये 5, 3 के बाद दशमलव। अब 7 से करा लेनी है इसकी 502.7 आया है, इसे हमें 7 से भाग करना है 502.7 के लिए, तो कितना बार जाएगा, 7 7 49 बचा 1 उतार लिया 2, 7 एकम 7, 5 बचेंगे, पॉइंट दिया 7 उतार लिया, तो यहां पर 7 8 56 कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लिया, 7 एकम 7 तो लगभग आ जाएगा 71.8, तो वैल्यू मिल जाएगी इसकी 71.8 और ये सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहा है एक गोदाम चित्र दे रखा है इसमें में दिखाए गए आकृति के अनुसार है, एक गोदाम है वो इस क्वेश्चन में एक चित्र दे रखा है इस चित्र के अनुसार है और इसके पृष्ठ पर भवन का जो निचला हिस्सा है वो घनाभाकार और ऊपरी हिस्सा अर्ध बेलनाकार है, भवन की सभी माप चित्र में दिखाए अनुसार है, भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ब्रैकेट में दिया गया है फर्श को छोड़ करके ज्ञात करना है, तो इसका चित्र किस तरह का है, सबसे पहले तो इसे बना लेते हैं, कुछ इस तरह का भवन है जिसमें ये माप दे रखी है 3 मीटर, ये इसकी लेंथ मींस लंबाई दे रखी है 10 मीटर और ये इसकी चौड़ाई है ये दे रखी है 7 मीटर और ये दे रखी है जो अर्धगोलाकार हिस्सा है ये दे रखा है 3.5 मीटर 3.5 मीटर और ये यहां से यहां तक मीन्स इसकी जो अर्धगोलाकार हिस्सा है इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 मीटर, तो वैसे भी ये दूरी हमको दे ही रखी है अर्धगोलाकार, इधर त्रिज्या और इधर त्रिज्या वो समान ही रहती है, वो 3.5 मीटर दे रखी है। अब कहा गया है कि सारी माप इस चित्र के अनुसार है और इस भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके फर्श का जो क्षेत्रफल है वो छोड़ना है, तब किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो घनाभाकार है तो इसको क्या करना है, सबसे पहले ये लंबाई ये चौड़ाई और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, ये 3 मीटर, तब एक साइड में इसको लिख लेते हैं, भवन की लंबाई L ये कितनी दे रखी है 10 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है ब्रेथ, चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर और ऊंचाई हाइट उसकी दे रखी है 3 मीटर। दिया है एक गोदाम जो कि चित्र
चित्र इस तरह का बना हुआ है, में दिखाए गए आकृति के अनुसार है। भवन का निचला हिस्सा घनावाकार है, इसका हिस्सा एक जिस तरह का माचिस होती है या फिर हमारा घर होते हैं उस तरह का ये बना हुआ है, और ऊपरी हिस्सा कैसा है, अर्धबेलनाकार है, मींस इस तरह से उसकी छत पड़ी हुई है। ये आधा हिस्सा कैसा है, बेलन, मतलब कोई ड्रम है, ड्रम का आधा हिस्सा काट करके इस तरह से उसको ढक दिया गया है इस तरह से। अब कहा है भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फर्श को छोड़ करके ज्ञात करना है। तब भवन की लंबाई हमने यहां पर नोट कर ली है 10 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर ये दे रखी है, ऊंचाई 3 मीटर ये दे रखी है, और इस अर्धबेलनाकार जो भाग है उसकी त्रिज्या दे रखी है यहां पर 3.5 मीटर। तब मान लिया इसकी जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट है ये कैपिटल मान लेते हैं L, V और H। तब भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, भवन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें कहा गया है फर्श को छोड़ना है, तो यहां पर मेंशन कर देते हैं इसको फर्श को छोड़कर बराबर कितना होगा। इस वाले भाग में देखते हैं तो इसमें चारों तो दीवारें लेने हैं हमें, क्योंकि फर्श लेना नहीं है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस और क्या चाहिए, ये अर्धबेलनाकार भाग है मींस छत है उसका क्षेत्रफल, तो अर्धबेलनाकार भाग जो कि क्या है, छत है, छत का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या बचा, ये बाहर का तो हो गया, लेकिन अभी ये वाला हिस्सा ये बचा हुआ है जो कैसा है, अर्धवृत्ताकार है, तो अर्धवृत्ताकार इधर है, अर्धवृत्ताकार पीछे भी होगा, तो इन दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल अब निकल के आएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो किस तरह से निकालेंगे, दो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, प्लस अब अर्धबेलनाकार पूरे, क्योंकि पूरे बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2πRH, क्योंकि ये आधा है, आधा हिस्सा है नहीं नीचे का, तो इसे आधा कर देंगे प्लस अर्धवृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये कैसा है, आधा है, तो आधा कर दिया, और कितने भाग हैं इसके, दो भाग हैं, एक भाग इधर और एक भाग पीछे रहा होगा, तो दो से गुणा कर देंगे, तो ये दो से दो ये कैंसिल हो गए, ये दो से दो यहां पर कैंसिल हो गए, वैल्यू पुट करेंगे दो, ब्रेथ मींस यहां पर सॉरी ये कैपिटल लिखते हैं बी और ये एच और यहां पर भी कैपिटल एल और ये कैपिटल एच, तो ब्रेथ इसकी कितनी है 7, हाइट दे रखी है 3, लेंथ कितनी है 10 और हाइट 3 है प्लस पाई, पाई का मान कितना 22/7, आर हमें 3.5 दे रखा है और एच
एच ये किसका निकालना है हमें, बेलनाकार भाग का। तो बेलनाकार भाग ये कितना है, यहां से यहां तक ये लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 10 मीटर। तो ये हो गया 10 प्लस पाई का मान 22/7 और आर ये त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 3.5 मीन्स 3.5। तो 3.5 वर्ग है, दो बार लिख लिया। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7×5 होते हैं, एक के बाद दशमलव लगाना है, एक के बाद दशमलव लगा दिया। इधर भी 7×5। अब सॉल्व करते हैं, 2 ये कितना हो गया, 21 प्लस 10×3 30 प्लस 22×5 कितना होता है, 110, और इसकी 10 की गुणा कराएंगे तो यहां पर 110 और 10 और एक के बाद दशमलव है, तो 110 ही मिलेगा। प्लस ये 22×5 कितना आ जाएगा, 110 गुणा कितना, 3.5, एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव लगा लिया। तो ये मिल जाएगा 21 और 30 कितना, 51 गुणा 2 प्लस 110 प्लस इनकी गुणा कराएंगे तो ये 11 हैं, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। 11×5 55 पॉइंट लगा लिया एक के बाद, हासिल लगे 5, 11×3 33 और 5×38। तो 51×2 102 प्लस 110 प्लस 38.5, तो कितना मिल जाएगा, 0.5। ये तो ऐसा का ऐसा ही, 8×2 10 का 0 हासिल, 1×3 और 1×4 और 1 हासिल का हो गया 5 और 1 और 1 2। तो आंसर आ जाएगा 250.5 और ये मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। दिया है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ कहा है ये शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मींस ये अर्धगोला रहा इस तरह का और इसी पर एक इस तरह का ये शंकु रखा हुआ है। त्रिज्या दोनों की वही है सेम, कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। और कहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। मींस यहां से लेकर के यहां तक टोटल इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो हमें दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। अब जब ये 3.5 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी रहेगी, ये भी 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी त्रिज्या ही है। तब यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई क्या रहेगी, मींस इसकी जो हाइट है वो हमें निकालनी पड़ेगी, इस पूरे में से 15.5 में से इसकी हाइट कम कर दी जाए, मींस इसकी त्रिज्या को कम कर दिया जाए। तब शंकु की ऊंचाई किस तरह से निकालेंगे, संपूर्ण ऊंचाई जो भी ऊंचाई दे रखी है हमें उसमें से माइनस करना है क्या, त्रिज्या को। तो संपूर्ण ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 15.5 माइनस त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5। तो संपूर्ण ऊंचाई में से इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 है। तो हाइट आ गई 15 सेंटीमीटर। अब कहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मींस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और क्या चाहिए, और ये जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। अब यहां पर l तो हमें दे नहीं रखा है तो उसे अलग मेजर कर लेते हैं, l बराबर होता है अंडर रूट h² प्लस r² तो हाइट इसकी हमने निकाल ली है कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस r हमें दे रखा है कितना 3.5 का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा 12 में 144 और इसका मिल जाएगा हमें 12.25। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 0.25, तो ऐसा का ऐसा ही, और ये 4 और 2 6 और 14 और 1 15 है, इतना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो L की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी 4 और 2 6, इसका मान निकाल लेते हैं 156.25। इधर पॉइंट के बाद के और पहले के जोड़े बना लिए, तो इधर 1 1 = 1 तो ये हो गया 1 1 = 2, इधर पूरा जोड़ा उतरेगा 56, तो ये 22 × 44 तो ये हो जाएगा 24, यहां से बचा कितना 12 है, पॉइंट लगाया ये उतार लिया पूरा 25, तो 5 बार जाएगा कितना 5×5=25 और 5×4=20 और 2×22 5×2=10 और 2×12 है, पूरा आ गया 12.5। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 12.5 और सेंटीमीटर, तो वैल्यू रखेंगे 2πr यहां से कॉमन, यहां से क्या बचेगा 2 और 1r प्लस का, यहां से बचेगा केवल l, तो पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, 2 r का मान 3.5 और l हमने निकाल लिया है कितना 12.5। तो कितना मिलेगा 7 से इसको डिवाइड कर देंगे 7×5=35, तो ये 22 और 0.5 की गुणा कराएंगे तो मिलेगा 11 है, इधर कितना ये हो गया 3.5×7, ये 7 मिल जाएगा प्लस का 12.5, ये 11 है गुणे 7 और 12 कितने हो गए 12×7=19.5, गुणा कराने पर 11×55 का 5 हासिल लगे 5, 11 × 99 99 और 5 कितने हो गए 104 हासिल लगे 10, 11×1=11 है और 10×21 तो मिल जाएगा 214.5। और ये सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो तंबू किस तरह का है, इस तरह बेलनाकार है, इस तरह का तंबू बना हुआ है, और कहा है इस पर एक शंकु अध्यारोपित है मींस इसके ऊपर इस तरह का
एक शंकु रखा हुआ है, ये इस तरह का। अब क्या कहा है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर और इसका व्यास दे रखा है यहां से यहां तक 4 मीटर। ये ऊंचाई हो गई 2.1 मीटर और चौड़ाई हो गई इसकी 4 मीटर, तथा शंकु की त्रियक ऊंचाई दे रखी है 2.8 मीटर, ये दे रखा है 2.8 मीटर। अब इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, कितनी, 2 मीटर। तो यहां पर भी कितनी रहेगी, ये 2 मीटर ही रहेगी। मींस चूंकि इसके ऊपर रखा हुआ है ये शंकु आकार भाग, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो गई, 2 मीटर ही हो गई। अब इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दे रखा है हमें, तंबू के आधार का व्यास, डी से प्रदर्शित करते हैं, 4 मीटर। तब त्रिज्या, आर, ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन 2। तो डी ये हमें दे रखा है 4/2, ये हो गई 2 मीटर। अब इसकी ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये स्मॉल h मान लिया, तो ये हमें दे रखा है 2.1 मीटर, और त्रियक ऊंचाई दे रखी है शंकु की त्रियक ऊंचाई, इसे l से प्रदर्शित करते हैं, त्रियक ऊंचाई l कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर। अब कहा है इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो क्या क्या चाहिए होगा उस तंबू को बनाने में, सबसे पहले तो इसका बक पृष्ठ बनाना है राउंडेड वाला। तो बेलनाकार या सीधे सीधे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या चाहिए, इस शंकुआकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मीन्स शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। पाई आर दोनों जगह से कॉमन लिया, यहां से बचा 2 और h, यहां से बचा l, वैल्यू रखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 और r का मान 2 हमने निकाला है 2, h हमें दे रखा है कितना 2.1 मीटर प्लस l हमें दे रखी है कितनी 2.8 मीटर। सॉल्व करने पर 22/7 × 2 × ये कितना 21 × 42, मतलब 4.2 और 2.8 ऐसा का ऐसा ही। तो 22/7 × 2 और ये ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा, 2 और 8 10
हासिल एक, चार और दो छह और एक हासिल का सात, तो ये सात से सात कैंसिल हो गए, कितना बचा 22 दूनी 44, तो यही 44 और मीटर में दे रखा था तो वर्ग मीटर, एक आंसर तो इसका यही हो गया, हमसे पूछा गया था कैनवास का क्षेत्रफल। आगे इसी में दोबारा से पूछा गया है, यदि इस जो कैनवास है उसकी दर दे रखी है 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो तंबू बनाने में कैनवास या प्रयुक्त कैनवास की लागत पूछिए, की लागत तो किस तरह से निकालेंगे, यह होता है दर गुणा क्षेत्रफल। दर हमें दे रखी है कि किस हिसाब से खरीदा गया है, तो दे रखा है 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 500 रुपए वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर मीन्स अपॉन में गुणा क्षेत्रफल, हमने अभी अभी निकाला है यहां पर 44 वर्ग मीटर, 44 वर्ग मीटर तो कितना हो जाएगा 500 बटे में मीटर स्क्वायर और ये 44 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हो गया कैंसिल, रुपए इनकी गुणा करा लेते हैं, दो जीरो ऐसे कैसे ही, 5 चौके 20 और ये 5 चौके 20, 20 का जीरो आएगा और 5 चौके 20 और 2 22 मींस 22,000 रुपए आंसर, ये आ गई कैनवास की कीमत। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।